गाइस मैं आप सभी को एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ कि हर स्पिन में आप ये वाला जो टोकन है क्रिमिनल टोकन, ये देखो मैंने एक स्पिन किया और यहाँ पे निकल चुका है ये वाला क्रिमिनल टोकन। तो हर स्पिन में आप निकाल सकते हो, कम से कम डायमंड में आप सारे के सारे दोनों क्रिमिनल बंडल ले सकते हो जो आए हुए हैं अभी के अभी। सो फाइनली गाइस अपने गेम के अंदर आ चुका है रेड क्रिमिनल, उसके साथ में नियॉन रेड क्रिमिनल। गाइस दोनों क्रिमिनल आ चुके हैं अपने गेम के अंदर टोकन टावर इवेंट में। गाइस मुझे यकीन नहीं हो रहा देख के, 4 साल के बाद आया, 2019 में रेड क्रिमिनल आया था लेकिन अब की बार आया 4 साल के बाद। एंड गाइस आप सबके मन में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि इसमें कितने ज्यादा डायमंड लगने वाले हैं, कितने डायमंड में ये निकल जाएगा, क्या कम डायमंड में ये निकलने वाला है। तो आपका भाई अभी बताने वाला है, अभी टॉप अप करके निकालने वाला है, साथ में एक ऐसे ट्रिक बताने वाला हूं जिसे बहुत कम से कम डायमंड में आप इसको मतलब क्रिमिनल बंडल को निकाल सकते हो अगर आपके पास बहुत कम डायमंड है, मतलब 300, 500 या 1000 के नीचे जितना भी हो। तो उससे पहले मेरे दोस्त अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो। इस इवेंट में गाइस एक स्पिन करने का 40 डायमंड लग रहा है और 5 स्पिन करने का 180 डायमंड लग रहा है। ठीक है, आपको स्पिन करके ये टोकन निकालना है जो कि क्रिमिनल टोकन, इसे कह सकते हो टॉप क्रिमिनल टोकन। तो इन टोकन की मदद से आप सारी चीजें ले सकते हो। अगर 5 टोकन हो जाता है सारी चीज आपको मिल जाएंगे। एक टोकन पर ये वाली बाइक मिल जाएगी, अगर आपके पास 2 टोकन हो जाएंगे तो ये वाली ग्लोअल की स्किन मिल जाएगी, अगर आपके पास 3 टोकन हो जाते हैं तो गाइस ये पैसे वाला इमोट मिल जाएगा जो कि फ्री मनी वाला इमोट है, बहुत खतरनाक है और दौड़ते दौड़ते कर सकते हो इस इमोट को, पहला इमोट है ये। और ये गाइस फाइनली 4 टोकन पे आपको ओल्ड वाला जो क्रिमिनल है, पुराना वाला रेड क्रिमिनल, गाइस ये सच में बहुत ही खतरनाक है, तो ये 4 टोकन में ही मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो न्यू वाला नियॉन क्रिमिनल लेना तो ये है नियॉन क्रिमिनल जिसको 5 टोकन में आपको निकालना होगा। तो चलो फटाफट से बिना किसी देरी के आपको ट्रिक बताता हूँ कि किस ट्रिक की वजह से ज्यादा टोकन जल्दी से जल्दी निकाल सकते हो, मतलब 5 टोकन जल्दी से जल्दी निकल जाएंगे। और ये पांच ही चीज आप ले सकते हो, बाइक की स्किन, ग्लोअल की स्किन, ये इमोट एंड साथ में पुराना क्रिमिनल और नया क्रिमिनल। तो चलो गाइस ट्रिक को स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप देख सकते हो गाइस मेरे पास है 147 डायमंड जिसमें मैं 3 स्पिन कर सकता हूँ, एक एक का स्पिन करूंगा 40 40 40, तो 120 डायमंड मेरे कट जाएंगे और मेरे 3 स्पिन हो जाएंगे। तो 3 स्पिन में देखना गाइस 1, 2, 3 टोकन आपको निकाल के दिखाऊंगा, और अगर 3 टोकन नहीं निकलते, 1 टोकन भी निकल जाता है तो समझ जाना गाइस कि आपके बहुत कम डायमंड लगने वाले हैं और आपका निकल जाने वाला है। तो चलो आपके पास भी बहुत कम डायमंड होगा और मेरे पास भी बहुत कम डायमंड है, अगर कम पड़ेगा तो टॉप अप भी करेंगे गाइस, टेंशन मत लो। तो फटाफट से आपको क्या करना है, जाना है कैरेक्टर में, कैरेक्टर को क्या करना है एडम ले लेना है। एडम चूज करने के बाद आपको क्या करना है, इसका पेट जो है पहले तो पेट रिमूव कर देना है, पेट को हटा दो, रेस्ट में डाल दो। उसके बाद में जो हाथ में गन पकड़ रखी है उस गन को भी हटा देना है, जैसे इस M4M1 को लगाया और फिर हटा दिया। अब ये हो चुका है पूरा खाली एडम, इसको लॉग आउट करो अपनी आईडी को और फिर से उसी आईडी को आपको लॉग इन करना है। लॉग इन किया, यहाँ पे देख सकते हो मैं लॉग इन कर रहा हूँ। एंड लॉग इन करते ही आपको फिर से जाना है लक रॉयल में, लक रॉयल में सबसे पहले जाना है गाइस आपको गोल्ड रॉयल में। गोल्ड रॉयल में जैसे जाना है आपको 10 का स्पिन करना है, यहाँ पे आके 10 का स्पिन करके उसको स्किप मार देना। ठीक है, स्किप कर देता हूँ। एंड इसके बाद फिर से आपको जाना है उस वाले टोकन टावर में जिसका नाम है ग्लिच असेंशन, और इसमें आने के बाद गाइस 1 स्पिन आपको करना है। ठीक है, 40 डायमंड का देखो 1 स्पिन करूंगा और 100% गारंटी के साथ निकल जाएगा। देखो गाइस यहाँ पर निकल चुका है मेरा टोकन, क्रिमिनल टोकन, और गाइस 1 टोकन मेरा यहाँ पे हो चुका है। अब सिर्फ मुझे चाहिए 4 टोकन गाइस, सिर्फ 4 टोकन चाहिए और मेरे को मिल जाएगा दोनों का दोनों क्रिमिनल और वो वाला फ्री मनी वाला इमोट। तो देख सकते हो गाइस 1 टोकन मेरा यहाँ पे निकल चुका है। अब दूसरा स्पिन फिर से करेंगे गाइस और देखते हैं दूसरे में निकलता है नहीं, अगर दूसरे में निकल गया तब तो भाई मैं तो पागल ही हो जाऊंगा। चलो कोई बात नहीं गाइस, नहीं निकला, आलोक का यहाँ पे कैरेक्टर फ्रेगमेंट निकला। उसके बाद में गाइस तीसरा स्पिन भी करके देखते हैं, तीसरे स्पिन में अगर निकल गया गाइस तो सिर्फ मुझे 3 टोकन चाहिए होंगे क्रिमिनल बंडल के लिए, 2 टोकन मान लो क्योंकि ओल्ड वाला क्रिमिनल मेरे को 4 टोकन में ही मिल जाएगा। तो चलो तीसरा लास्ट स्पिन यहाँ पे नहीं निकला गाइस, 1 स्पिन में मेरा निकल चुका है गाइस 1 टोकन, अब सिर्फ मुझे 4 टोकन चाहिए। और गाइस यहाँ पे ट्रैश, मतलब यहाँ पे देख सकते हो गाइस अगर बैकपैक में आपको 3 स्पिन में अगर 3 चीज़ें अगर इधर उधर की फालतू चीज़ें निकली हैं तो आप 3 को एक्सचेंज करके 1 स्पिन में बदल सकते हो। अगर 3 चीज़ें आपको उसको रिमूव कर दोगे आपको मिल जाएगा 1 स्पिन, तो 1 स्पिन कर सकता था मैं अगर 3 होते तो, लेकिन 2 ही है मेरे पास तो नहीं कर सकता गाइस। यहाँ पे देख सकते हो बाइक की स्किन मुझे मिल चुकी है जो कि 1 टोकन पर थी, अब मुझे 4 टोकन निकालने गाइस, टॉप अप करके मैं इसको निकालने वाला हूँ। अभी अगर टॉप अप करके निकालूँ तो गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसको तो मैं निकाल ही लूँगा। सो ये था एकदम ओपी वाला ट्रिक जिससे आप निकाल सकते हो गाइस क्रिमिनल टोकन और उसके मदद से क्रिमिनल बंडल जल्दी से जल्दी निकाल सकते हो। एंड गाइस देखो ये वाला इवेंट भी स्टार्ट हो चुका है पिंक डायमंड वाला जिसका नाम है गाइस टाइम लिमिटेड शॉप, तो इसके बारे में भी 2-3 घंटे में वीडियो आ जाएगी तो उसको भी देख लेना, फुल डिटेल वाली जल्दी आ जाएगी, 2 घंटे से पहले ही आ जाएगी। तो गाइस बस इस वीडियो करते हैं यहीं पर, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करना। तब तक ले बाय बाय।